हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने जाने वाले हैं सिगरेट पैंट। सिंपल है बनाना, लेकिन इसे अगर आप कोई भी कुर्ती पे पहनेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लुक देगा, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक फैब्रिक लिया है जो कि 2.5 मीटर है। इसे बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आप फैब्रिक थोड़ा सा मोटा फैब्रिक लें, उसका कपड़ा थोड़ा मोटा सा लें, तभी यह अच्छे से बनेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं, हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी लेंथ की, मैं यहाँ ले रही हूँ 29 इंचेस, आप अपने हिसाब से ले सारी मेजरमेंट। हिप्स हम ले रहे हैं 39 इंचेस और क्रॉच एरिया है 10 इंचेस की। ये स्विंग अलाउंस के अलावा है, इसमें हम स्विंग अलाउंस ऐड करेंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कपड़े को 2 फोल्ड किया हुआ है। अब सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे, तो ऊपर से मैं 2 इंचेस पर मार्क कर देती हूँ। तो देखिए 2 इंचेस पे मैंने मार्क कर दिया बेल्ट के लिए। ध्यान रखिए मैंने कपड़े को 2 फोल्ड इसलिए किया है क्योंकि मैं फ्रंट का ही सिर्फ निकाल रही हूँ, मैं बैक का अलग से निकालूंगी। तो ये 2 इंचेस पे मार्क कर दिया, ये हो गया हमारा इलास्टिक डालने के लिए ऊपर का बेल्ट। चलिए हम लेंथ मेजर करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा 29 इंचेस है मेरी लेंथ, तो मैं 29 इंच पर मार्क करूँगी और मैं ये बेल्ट से नीचे से ले रही हूँ ताकि बेल्ट का स्विंग अलाउंस मेरा अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए 29 पे मार्क कर देते हैं। तो ये रहा 29 इंचेस, चलिए यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, ये हो गई मेरी लेंथ का पार्ट। अब हम ऊपर में, तो चलिए अब यहाँ पर मैं 2 इंचेस पे एक मार्क कर रही हूँ, ये मेरा क्रॉच एरिया के लिए निशान है। 2 इंचेस पे मार्क किया, जैसे मैंने आपको बताया क्रॉच एरिया की लेंथ मैं 10 लेने वाली हूँ, तो 10 इंचेस पे मार्क कर दिया ये मैंने। अब चलिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए शेप दे देते हैं। तो ये हो गया मेरा क्रॉच एरिया पैंट के लिए, मैंने ड्रॉ कर लिया है। इस साइड पे भी मैं 10 इंचेस पे मार्क करूंगी क्रॉच एरिया वाले हिस्से में, और यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करना नहीं है, बस मार्क हो गया। अब चलिए नीचे मोड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो ये वो मार्क है जहाँ पे हमारी लेंथ आ रही है। तो देखिए ये टोटल 15 इंचेस है, जिसका हाफ होता है 7.5, तो 7.5 पे मार्क कीजिए। अब मेरी मोड़ी टोटल 12 इंचेस है, जिसका हाफ होता है 6 इंचेस, तो मैं 6 इंचेस के लिए 3 इस तरफ और 3 इस तरफ से मार्क करूँगी। तो ये हो गया ना मेरा मिडल में 6 इंचेस। देखिए ये ही मेरी मोड़ी का पार्ट है। तो देखिए ये जो हमारा क्रॉच एरिया वाला पॉइंट है, वहाँ से लेके ये हमारी मोड़ी तक का हम पॉइंट अब ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये हमने स्केल रख के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए लाइन ड्रॉ कर ली है। चलिए इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्रॉच एरिया से मोड़ी तक की ज्वाइन करती हुई हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो देखिए ये हमारी फ्रंट का पार्ट हो गया है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। देखिए कटिंग हो गई है हमारी, और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, उसके 2 पार्ट बने हैं, दोनों पार्ट फ्रंट के लिए ही है। और ध्यान रखिए हमने जो बेल्ट का मार्क किया है वो भी हमने इसी में रखा है, इसे अलग से कटा नहीं है। तो चलिए अब बैक का पार्ट बनाते हैं। देखिए नीचे का कपड़ा हमने 2 फोल्ड किया है, और उसके ऊपर हमने जो ऑलरेडी कट किया फ्रंट का पार्ट उसे हमने रख दिया है। अब बैक का पार्ट जो हम बनाने वाले हैं वो हम 1 इंच ज़्यादा बनाएंगे। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। तो हमने मेजर टेप लेके 1 इंच पे मार्क कर दिया, हम सभी तरफ से 1-1 इंच ज़्यादा ले रहे हैं। तो देखिए ये 1 इंच पे मार्क हो गया हमारा। अब चलिए इसको बिल्कुल वही शेप देना है जो हमारा फ्रंट का है, बस हम 1 इंच ज़्यादा ले रहे हैं। ये देखिए हमने 1 इंच ज़्यादा लिया है बैक का पार्ट। और ध्यान रखें लेंथ आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ हमने ब्रॉडनेस ही ज़्यादा ली है। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं बैक का पार्ट भी। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है, ऊपर का पार्ट हटा देते हैं। तो ये है हमारा बैक का पार्ट, 2 पीस में बना हुआ है ये देखिए। तो हमारी कटिंग तो हो गई है, चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। देखिए फ्रंट के हमारे ये 2 पार्ट हैं। चलिए तो सिलाई के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्रंट का पार्ट है उसके ऊपर दूसरा हम इस तरीके से रख देंगे। तो ये दोनों फ्रंट के पार्ट को हमने मिला लिया है, दोनों राइट साइड को हमने मिला दिया है। अब देखिए ये जो क्रॉच एरिया है वहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट के भी क्रॉच एरिया को हम दोनों पार्ट को सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है और क्रॉच एरिया को ज्वाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा राइट पार्ट है तो उसके ऊपर दूसरा जो पार्ट है वो रॉन्ग स्लीव रखेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने रख दिया है।
अब देखिए, हमने ज्यादा कट किया था ना, तो हम क्या करेंगे, पहले एक साइड की फिटिंग करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ से एक साइड पे फिटिंग कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ से पूरे नीचे तक। और फिर हम क्या करेंगे, इस दूसरे पार्ट की फिटिंग करके इस तरीके से पार्ट को मिलाकर यूं फिटिंग कर देंगे नीचे तक। तो चलिए अब इस पे सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, हमने दोनों तरफ फिटिंग कर ली है। अब आती है बारी मोड़ी को फोल्ड करने की, तो चलिए इसे फोल्ड करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे नीचे की मोड़ी है, उसे हम रॉन्ग साइड में इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से दूसरी मोड़ी भी तैयार कर लीजिए। तो देखिए, नीचे से मोड़ी भी हमने फोल्ड कर ली है। अब चलिए ये जो हमारा बीच का पार्ट है उसे भी सिलाई लगाते हैं। तो सबसे पहले पैंट को उल्टा कर दीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस दोनों पार्ट को देखिए, आपको अच्छे से मिलाना है इस तरीके से, और फिर पूरे में आपको इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। अगर आपको मोड़ी की फिटिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 इंच छोड़ा है, तो मैं 1 इंच को लेते हुए पूरे ये राउंड से लेके सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाना हमेशा ये बीच से शुरू करें, इन दोनों सिलाई को अच्छे से मिलाइए और फिर आप सिलाई शुरू कीजिए, ताकि आपकी सिलाई दोनों तरफ से सही से बैठ जाए। इस तरीके से दोनों तरफ आप सिलाई लगा दीजिए। तो चलिए अब हम ये बेल्ट को फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा निशान है 2 इंच वाला, वहीं से हम फोल्ड करेंगे। तो ये रॉन्ग साइड पे अंदर की तरफ आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, और नीचे से बॉर्डर भी इस तरीके से, ताकि आपकी रॉ एजेस ना दिखे। इस तरीके से पूरे राउंड में सिलाई लगा दीजिए। बस ध्यान रखिए कि यहाँ पर इतना पार्ट है वो आपको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि वहां से हम हमारा इलास्टिक डालेंगे। तो इतना पार्ट छोड़ के आप पूरे राउंड को इसी तरीके से सिलाई लगा के बेल्ट बना दीजिए। तो देखिए, हमने ये इलास्टिक लिया हुआ है एक, आपके जितने भी वेस्ट हो उसे 4 से 5 इंच आप कम ले लीजिए इलास्टिक को। इसे हम पिन की मदद से इस तरीके से, जो हमने होल रखा था जहाँ पे हमने सिलाई छोड़ दी थी, वहाँ से हम इसको अंदर की तरफ डालेंगे। तो इस तरीके से अंदर की तरफ इसे डालते जाइए और फिर खींचते जाइए। इस तरीके से आपका इलास्टिक पूरे राउंड में आ जाएगा। ये देखिए, हमने इलास्टिक डाल दिया है। अब हम इस पिन को निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरीके से अच्छे से जॉइन करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप 2-3 बार सिलाई लगाएं, ताकि आपका इलास्टिक खुल ना जाए और यहाँ पे लॉक भी करे अच्छे से। तो देखिए, ये हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अब हम इसे अंडर डाल देंगे इस तरीके से, और अब हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। हमने जो होल रखा था उसे हम बंद कर देंगे। देखिए, इलास्टिक लगाने के बाद ये मैंने कुछ बटन्स लिए हैं जो कि मैं लगाने वाली हूँ इसकी मोड़ी में। चलिए दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। तो बस आप सुई धागे की मदद से इस तरीके से ये जो आपका कोना हो रहा है वहाँ पे रखकर आपको बस सुई धागे की मदद से सिलाई लगा देनी है। तो मैं इस तरीके से 4 से 5 बटन लगाने वाली हूँ एक मोड़ी पे। आप जितना चाहे लगा सकते हैं, आप चाहे तो किसी और तरीके से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। बस इसी तरीके से बटन लगा दीजिए। ये देखिए, हमने बटन लगा दिए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो देखिए, तैयार है हमारा सिगरेट पैंट। इसे हमने पेयर किया है फ्रॉक स्टाइल कुर्ती के साथ। आप दोनों को ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए आपको यह पेयर कैसी लगी, और प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।